कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी दिल्ली से सीधा बागेश्वर जाएंगे। इस दौरान देवेंद्र यादव बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी को लेकर जायजा लेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र भी देंगे। वहीं दूसरी ओर देवेंद्र यादव के दौरे को लेकर भाजपा ने चुटकी लेना शुरू कर दिया है। पहले तो कांग्रेस के स्वयं के नेता अपने प्रभारी का स्वागत कर लें, क्योंकि कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस के उत्तराखंड के नेताओं के बीच में समन्वय नहीं है। आप देखते हैं किस प्रकार जब प्रीतम सिंह के बयान उनके साथ 36 का आंकड़ा है आते रहते हैं, हरीश रावत जी के किस प्रकार बयान आते रहते हैं, तो वो अपनी फॉर्मेलिटी करने के लिए जो है यहाँ आ रहे हैं, और वो चाहे उनके प्रभारी आए चाहे स्वयं राहुल गांधी आ जाएं, कांग्रेस ने तो बागेश्वर में हारना है वो निश्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह बैंगलोर के इसरो के कमांड सेंटर पहुंचे। यहां उन्होंने चंद्रयान 3 की टीम के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने टीम के सभी वैज्ञानिकों से ग्रुप फोटो भी खींचा और इसरो कमांड सेंटर पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने पीएम मोदी को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इसी बीच असम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कैबिनेट बैठक के बाद सीएम हेमंत बिस्वा ने घोषणा की है राज्य में 4 नए जिले और 81 उप जिला बनाए जाएंगे। गुवाहाटी में सीसीटीवी लगाने को भी मंजूरी दे दी गई है। सीएम ने राज्य के कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत की है। इसको लेकर यह बड़ी खबर सीधे असम से, जहां पर राज्य में 4 नए जिले और 81 उप जिले बनाए जाएंगे। इसको लेकर यह बड़ी अपडेट, गुवाहाटी में सीसीटीवी भी लगाने को मंजूरी मिल चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जो सीधे असम से है, जहां पर सीएम ने राज्य के कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत की है। और इसी के साथ अब गुवाहाटी से सीसीटीवी फुटेज तैयार करने को लेकर सीसीटीवी कैमरे लगाने को भी मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम हेमंत बिस्वा ने घोषणा की है। इसको लेकर असम से ये बड़ी अपडेट, राज्य में 4 नए जिले और 81 उप जिला बनाए जाएंगे। इसको लेकर यह बड़ी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं जो सीधे असम से है, जहां पर गुवाहाटी में सीसीटीवी लगाने को मंजूरी दे दी गई है। गुवाहाटी में सीसीटीवी लगाने को मंजूरी, सीएम ने राज्य के कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत की है, जिसको लेकर जल्द से जल्द अब कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले में बीजेपी कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने प्रदेश से हो रही ईडी की कार्रवाई और कांग्रेसी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। नारायण चंदेल ने कहा है कि ईडी की छापेमारी के दौरान नए तथ्य सामने आए, पहले कोयल और उसके बाद शराब रेत घोटाला सामने आया और उसके बाद महादेव ऐप का मामला भी सामने आया, जिसके तार भारत के ही नहीं बल्कि विदेश से भी जुड़े। कांग्रेस के लोग महादेव के नाम पर ऑनलाइन सट्टे का अवैध कारोबार संचालित कर रहे हैं। प्रदेश की जनता का पैसे को अवैध काम में लगाया जा रहा है। प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के कारण बेहाल लोगों की अब बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाते हुए अगले 10 दिन से 12 दिनों तक अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने की बात कही है, जबकि कुछ एक जगह हल्की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि उत्तराखंड में आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति साफ होने वाली है। अगली खबर यूपी के बस्ती से है, जहां पर सपा नगर पंचायत अध्यक्ष पर महिला ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने सपा अध्यक्ष पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। पीड़ित तो महिला का कहना है कि नौकरी के नाम पर, बता दें कि रौधौली नगर पंचायत अध्यक्ष उसके साथ दुष्कर्म करता था, यहां तक कि पीड़िता महिला का गर्भपात भी कराया गया है। पीड़िता महिला का इंसाफ को लेकर लगातार अभियान जारी है। पीड़िता महिला ने मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों को पत्र भी भेजा है। आपके साथ कैसे क्या घट? उसके बाद 2 महीने का पीरियड भी रुका।
माया पाठक से दवा भिजवाएं, दवा खाएं, दवा से साफ हुआ, उसके बाद में नौकरी मिली हमको, लेकिन दूसरिया तीसरिया फिर भी हमको बुला रहे हैं अकेले। मिले, कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, इनकी दवा में कुछ भी नहीं हो रहा है। आपके साथ